गाइस, मेरी बताई हुई सिर्फ ये तीन चीजें फॉलो कर लीजिए, एक महीने में आपका 7 किलो वजन कम हो जाएगा। आप मेरी आवाज में और मेरे चेहरे पर कॉन्फिडेंस और खुशी देख सकते हैं। यही खुशी मैं आपके चेहरे पर भी देखूंगी, क्योंकि जब आप मेरी इन तीनों बातों को फॉलो करेंगे और एक महीने बाद एग्जैक्टली आपके चेहरे पर भी इतनी ही स्माइल होगी, इतना ही कॉन्फिडेंस होगा। देखिए, वेट गेन जो होता है ना, सबसे ज्यादा स्ट्रेस का रीजन बन जाता है, और जब हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी लेते हैं तो भी हमारा वेट गेन हो जाता है। अगर आपका वेट भी रुक सा गया है, कम नहीं हो रहा, या फिर आपको कोई बीमारी है, थायराइड है, डायबिटीज है, PCOS, PCOD की प्रॉब्लम भी है, आपका वेट कम होने का नाम नहीं ले रहा, या आपका बच्चा जो 15-16 साल का है उसका वेट एकदम से बढ़ता जा रहा है और आपको टेंशन होने लगी है, तो आप इस तीन प्रोसेस को जरूर फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बहुत ज्यादा लेजी हैं या आपके मांसपेशियों में घुटनों में दर्द रहता है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हुए भी अपने वेट प्रोसेस को करना चाहते हैं, वेट लूज करना चाहते हैं, टमी को अंदर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इसको फॉलो करें। तो चलिए, क्या है वो तीन तरीके जिसकी वजह से आपका लटका हुआ पेट अंदर हो जाएगा, जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और जमकर शेयर, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। उनका लटका हुआ पेट जब अंदर होगा तो डेफिनेटली वो आपको भी दुआएं देंगे। और हाँ, लाइक करते टाइम कंजूसी मत किया करें, जरूर लाइक किया करें, क्योंकि उससे मुझे मिलता है बहुत ज्यादा मोटिवेशन नेक्स्ट कुछ बहुत ही बेहतर बनाने के लिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, बारी आती है पहले इंपॉर्टेंट टिप की, जो आपको फॉलो करनी है रोजाना। आपने लेना है सरसों का तेल। नहाते टाइम अब अपने बाथरूम में सरसों का तेल जरूर रखें। जब आपने नहा लिया तो अपनी नेवल में यानी नाभि में 3 से 4 बूंदे सरसों के तेल की डालिए। सरसों के तेल की डालने के बाद आपको अच्छे से इस तरीके से, जैसे मैं आपको मसाज करके दिखा रही हूँ, ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ आपको अपने टमी को मसाज देना है। मसाज देने से क्या होता है, जो हमारा लटका हुआ पेट है, जो एकदम थैली की तरह लटक गया है, वो एकदम खींचने लगेगा, ऊपर की तरफ आने लगेगा, वहाँ की मसल्स टोन होंगी, ठीक है, और आपका धीरे धीरे वहाँ का फैट कम होने लगेगा। इस तरीके से आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक मसाज करनी है। ऐसा आपको दिन में एक बार नहीं बल्कि 2 बार करना है। एक तो आपने सुबह करना है और एक बार आपने यही प्रोसेस शाम को करना है, यानी रात को सोने से पहले करना है। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपका पेट जो लटक सा गया था बिल्कुल अंदर होने लगा है। इससे आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, जो भी आप खाएंगे वो डाइजेस्ट होगा, क्योंकि जो नाभि होती है वो हमारा केंद्र बिंदु होती है शरीर का। जब हम उसमें सरसों का तेल डालते हैं तो हमारे डाइजेशन को बूस्ट करती है, और जो भी हम खाना खाते हैं वो हमें जल्दी डाइजेस्ट होगा, जिसकी वजह से वो हमारा फैट में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा। इनफैक्ट इसकी वजह से, नाभि के तेल की वजह से ही आपके जो बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे हो गए थे, आपकी स्किन बहुत बेजान हो गई थी, उसमें भी एक नया शाइन आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके लिप बहुत ज़्यादा फटे रहते हैं या डार्कनेस बहुत ज़्यादा है तो वो भी दूर हो जाएगी। आप ये प्रोसेस सेम अपने छोटे बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। इससे उनकी नाभि में तेल लगाएं, मसाज हल्के हाथ से करें, 1 मिनट के लिए बहुत है, जिससे उनका पेट बिल्कुल साफ रहेगा, उनको कब्ज की कभी शिकायत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2 बहुत ही आसान और बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। देखिए, जो लेडीज की जब डिलीवरी होती है, जब बेबी होता है, तो हमारे घर में जो नानी माँ जो होते हैं, दादी होते हैं, वो क्या सजेस्ट करते थे पहले के ज़माने में, अभी भी बहुत लोग इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, कि जब आपकी डिलीवरी हो गई है और आपको 1 हफ्ता हो चुका है, तो आपको क्या करना है, दुपट्टा लेना है, उसको अपने पूरे टमी पे अच्छे तरीके से रैप करके रखना है। इसके लिए आप कॉटन का दुपट्टा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आप ले लीजिए और अच्छे से अपने टमी में बांध लीजिए। या तो अपने कपड़ों के ऊपर आप बांध सकते हैं, या फिर आप अपने कपड़ों के अंदर बांधकर ऊपर से कुर्ता या कोई भी आप लूज टी शर्ट वगैरह पहन सकते हैं। इससे अब क्या बेनिफिट होता है, अगर आपके पास ये ना हो तो आप इस तरीके का एक रैपर भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया हुआ है। ये मैंने डिकैथलॉन से लिया है, एक स्पोर्ट्स शॉप है जो दिल्ली में, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हो सकता है कहीं और हो तो वहाँ पे भी ब्रांचेस हो इसकी, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा टमी टकर है, जो आपको बहुत ज़्यादा स्वेट देता है, अंदर पसीना देता है, और आपका जो टमी है वो फ्लैट होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए ये कैसे असर दिखाता है, जब आप घर में कोई काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, या आप थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, या आप कोई कपड़े धो रहे हैं, या कोई भी आप नया नया काम कर रहे हैं, ऐसा ही जो डिलीवरी हुई है जिनकी, सो उन्हीं को ये प्रोसेस फॉलो करना है। किसी का भी जिसका भी टमी बड़ा हुआ है और अपने टमी को अंदर करना चाहता है, तो वो उस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करें। तो जब हम बांध के रखते हैं तो हमारे पेट को लटकने का स्पेस नहीं मिलता, हमारा पेट पूरा दिन ऊपर खिंचा रहता है। ऊपर खिंचाने की वजह से वो धीरे धीरे जो अपनी शेप ले गया था थैली की, वो टाइट होने लगता है, टोन होने लगता है, और ये 101% आपके टमी पे काम करेगा। आपको खुद दिख जाएगा 1 महीने के अंदर आंखों देखा रिजल्ट, कि आपका टमी पहले कैसा था और अब उसकी सिचुएशन या उसकी हालत क्या हो चुकी है। इसके साथ साथ अगर आप डबल इफेक्ट चाहते हैं
तो आप कपड़ा बांधने से पहले कोई भी जो आयोडेक्स होती है या विक्स होती है उसको जरूर अप्लाई कर लें। उससे आपको ज्यादा पसीना आएगा और पसीना आने से आपके वहां का जो है फैट जल्दी रिड्यूस होगा। आपने बहुत अच्छे से उसको टाइट बांधना है, लेकिन हाँ इतना भी नहीं कि आपको बाद में पेन हो। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी, जैसे आपको लगेगा कुछ बंदा बंदा, लेकिन अगर पेट कम करना चाहते हो तो थोड़ा ये सब चीज़ें तो देखो बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। मेरे इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करना और फिर कमेंट करके बताना कि कैसा रहा आपके पेट का कंडीशन। अब बढ़ते हैं तीसरे इम्पॉर्टेंट टिप की तरफ। तीसरा इम्पॉर्टेंट टिप क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा 5 साल का है या आपकी उम्र 60 साल की है तो भी आपको इस प्रोसेस को ज़रूर फॉलो करना है। ये है वज्र आसन। वज्र आसन के इतने ज़्यादा फायदे हैं। सबसे पहला फायदा, ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा देता है। इससे जो भी आप खाना खाते हैं वो आपको पचने लग जाता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, वर्कआउट नहीं कर पाते, आपका शरीर इस तरीके का है या बहुत ज़्यादा लेजी है या आपकी बोन्स काम नहीं करती, आपकी लेग्स या इतने आपका बॉडी अलाउ नहीं करती, ऑफिस आवर्स ऐसे हैं या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो आप वज्र आसन 3 टाइम टाइमिंग बना लें कि आपको करना ही करना है। क्योंकि हम एक दिन में खाते हैं 3 मील्स, है ना। एक होता है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ब्रेकफास्ट के इमिजिएटली बाद आपको वज्र आसन में बैठना है। कैसे बैठना है? इसके लिए अपनी दोनों टांगों को आप पीछे लेकर जाइए, उसके बाद अपने दोनों पैर के अंगूठों को एक दूसरे के ऊपर रखिए, अपनी जो एडी है उसके बीच में स्पेस बनाकर अपने हिप को वहां पर प्लेस करिए, और आपने अपनी कमर बिल्कुल सीधी रखनी है और अपने दोनों जो हाथ हैं वो घुटने पर रखने हैं। आपने इस प्रोसेस में कम से कम 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक जाना है। यानी स्टार्टिंग में आपको पेन होगा, जानती हूँ पेन होगा, लेकिन पेन अगर आप नहीं बर्दाश्त करेंगे, कोई भी अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो आपको थोड़े बहुत बॉडी में पेन होता है, टांगे आपके जाम हो जाएंगी। इससे क्या बेनिफिट होता है? आपकी टांगों का जो होता है ना, जब आप बैठते तो आपका ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, तो सारा ब्लड सर्कुलेशन आपकी अपर बॉडी में काम करता है। जब हमारा ब्लड सर्कुलेशन अपर बॉडी में काम करता है तो हमारा ऊपर की बॉडी बहुत एक्टिव हो जाती है, और जब एकदम से खून ऊपर की तरफ बढ़ता है तो हमारा जो डाइजेशन जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो बहुत फास्ट हो जाता है, जिससे कि आपका खाना आपके जो है एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, आपके फैट में कन्वर्ट होना बंद हो जाता है। जब आप वज्र आसन करेंगे तो ट्रस्ट मी, आप नोटिस करेंगे कि जैसे आपको 2 या 3 डेज हो गए हैं, आपकी बॉडी पहले से ज़्यादा एक्टिव हो गई है। जो खाना खाने के बाद आपको सुस्ती आती थी, बल्कि आपके अंदर वो एनर्जी आने लग जाएगी, एक ताकत आ जाएगी, एक नया जोश आ जाएगा, ठीक है। और आपको अपने टाइमिंग को डेफिनेटली इंक्रीज करना है, 1 मिनट से लेकर 15 मिनट तक जाना ही जाना है, क्योंकि जब आप 15 मिनट बैठेंगे तो उसी से आपका पेट कम होगा, और आप 15 मिनट के बाद भी आप इस प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। ब्रेकफास्ट किया, 15 मिनट बैठ गए, लंच किया, 15 मिनट वज्रासन किया, डिनर किया तो इमिजिएटली बाद 15 मिनट आपने वज्रासन किया। और इसके साथ अगर डबल बेनिफिट चाहते हैं तो अपनी डाइट में से आपने क्या करना है, अपना शुगर जो है यानी चीनी की मात्रा, उसको बिल्कुल कट ऑफ कर देना है 1 महीने के लिए। चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, बिना चीनी के पिए, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, इसको बिल्कुल कट ऑफ कर दें, 1 महीने बाद खाएं, तब आपको पता लग जाएगा कि आपके पेट में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। सॉल्ट का यानी नमक का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि नमक जो होता है हमारे बॉडी में वाटर लेवल को बढ़ाता है। आप स्टडी भी कर सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं कि नमक ज़्यादा हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, तो नमक की मात्रा कम कर दें। और रात को अपने डाइट में से रोटी कट ऑफ करके ना आप क्या करें, उसकी जगह कोई भी वेजिटेबल सूप पी के सोएं या पपीता खा के सो जाएं, और कुछ मत खाएं, एक भर कर प्लेट पपीते की खा के सो जाएं। 101% आपको मैं चैलेंज करती हूँ कि आपका टमी अंदर हो जाएगा। आपको ये तीनों प्रोसेस फॉलो करने हैं, पानी ज़्यादा पीना है, चीनी नमक कट ऑफ करनी है, और साथ में डिनर में रोटी बिल्कुल ख़त्म करके आपको पपीता या सब्जियों का सूप पीना है। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ऐसे ही कुछ नया और बेहतर देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, बहुत सारी कमेंट करें, कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरी है, डेफिनेटली मैं उनका आंसर दूंगी, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।